Today I'm going to revise chapter Russian Revolution. In Russia, there were three revolutions. First of all, in 1905, then 1905 Feb, then 1905 Feb, फिर 1917 Feb, फिर 1917 अक्टूबर. तो यू हैव टू लर्न दीज थ्री रेवोल्यूशंस. कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, कॉजेज इम्पैक्ट आने चाहिए. एंड एक आपका टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड हेट्रेड फॉर ज़ार. फर्स्ट वर्ल्ड वार से ज़ार के लिए क्यों हेट्रेड ज्यादा स्प्रेड हुई, क्यों लोग ज़ार के अगेंस्ट हो गए ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वार. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड लर्न द नेम ऑफ द रूलर ऑफ रशिया एंड दैट वॉज ज़ार निकोलस टू. निकोलस टू नेम है ज़ार, ज़ार निकोलस टू. ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है. रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम सोशलिस्ट. सोशलिस्ट कंट्री बनी. और रशिया में जो रिवोल्ट है दैट वॉज डन बाय वर्कर्स. वर्कर्स ने यहाँ पे रिवोल्ट किया. फॉर एग्जाम्पल यू हैव रेड फ्रांस. फ्रांस में आपने पढ़ा होगा पीजेंट्स, दे स्टार्टेड रिवोल्ट, बट रिवोल्ट वॉज नॉट कैरी फॉरवर्ड बाय पीजेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस. And this revolt was carried forward by philosophers. पता चल गया आपको, फ्रांस का याद है ना. अब यहाँ पे रशिया एड नहीं होना चाहिए. आपने बताना है कि revolt in Russia was done by workers. Workers ने यहाँ पे revolt किया था. ठीक है, अब workers ने किया means workers की condition ही poor होगी, फिर तभी revolt किया होगा. तो अब आपको अपने वे से लिखना है causes of Russian Revolution 1905. इसके लिए आपको मेन हेडिंग्स आते हैं, देन यू कैन एक्सप्लेन. आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो. फर्स्ट तो आप यही बताओगे पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स. तो इसमें आप अपने वे से जैसे मर्जी लिखो, कोई क्रैमिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है. आप अपने वे से लिख सकते हो कि वर्कर्स की कंडीशन पुअर थी. अब वर्कर्स की कंडीशन क्यों पुअर होगी, वेजेस कम होंगे, वर्किंग आवर्स ज्यादा होंगे, हैड टू लिव इन डॉर्मिटोरीज, नॉट अलाउड टू मीट योर फैमिली मेंबर्स. तो उनको बेड अलॉटेड थे डॉर्मिटोरीज में जहां उन्हें रहना पड़ता था. Not good condition of workers. एक तो आप ये लिखोगे. Next आप बता दोगे coming of socialism. यहाँ spread of socialism. Socialism spread हो रहा था in Europe and Russia में socialism आया. Russia was the first country that became socialist. तो due to socialism Russia में revolt हुआ. Next आप कह सकते हो autocratic rule. जार का जो रूल था दैट वॉज ऑटोक्रेटिक. रिच ही कंसल्ट किए जाते थे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. पुअर के व्यूज कभी नहीं वो लेता था. रिच का रूल था वहां पे, तो पुअर को कंसल्ट भी नहीं किया जाता था. वैसे भी जार जो था उसने रशिया की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया. डिड नथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रशिया. अंडर जार रशिया वॉज अ बैकवर्ड कंट्री. रशिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम लेट इन रशिया बिकॉज ज़ार वाज नॉट इन द फेवर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आल्सो. वो लोगों को बैकवर्ड रखना चाहता था कि लोग उसकी फेवर में रहें. बैकवर्ड रहेंगे तो उसके अंडर रहेंगे. जैसे ब्रिटिश इंडियंस को बैकवर्ड रखना चाहते थे, अनसिविलाइज रखना चाहते थे. अनसिविलाइज रहेंगे, हमारे अंडर रहेंगे, हमारे रू हमारे अंडर रह के काम करेंगे. बाद में जब उनको वर्कर्स की जरूरत पड़ी, ब्रिटिश को उनको क्लर्क्स रखने थे, तो उन्हें ब्रिटेन से मंगाने कॉस्टली पड़ते थे. दैट्स वाई उन्होंने इंडियंस के लिए एजुकेशन को प्रमोट किया. क्या, अब इन्हें एजुकेट करो ताकि यही लोग हमारे लिए क्लरिकल जॉब्स करेंगे और इन्हें हम कम वेजेस पे रखेंगे. क्योंकि इंडियंस तो रेडी रहते थे, वेजेस कम लेके भी काम करते थे. तो ब्रिटिश ने इसलिए इंडियंस को थोड़ा सा कब सिविलाइज करना शुरू किया. तो जार ने तो अपनी कंट्री के, वो तो फिर फॉरनर्स थे. जार तो फॉरनर नहीं था ना, उसने अपनी कंट्री के लोगों को बैकवर्ड रखा. एक तो ये भी आप रीजन बता सकते हो. फिर आप कह सकते हो कि रूसो जापानीज वार भी हुई थी और इस वार में रशिया जो था गॉट डिफीटेड फ्रॉम स्मॉल कंट्री. रशिया एक बिग कंट्री थी और रशिया एक छोटी सी कंट्री जापान से हार गया. एंड दैट वाज नॉट टॉलरेटेड बाय पीपल एंड दे हेल्ड रिस्पॉन्सिबल जार. उन्होंने जार को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर दिस डिफीट. तो एक तो आप ये कह सकते हो रूसो जापानीज वार. दिस वार वॉज हेल्ड बिटवीन रशिया एंड जापान. In this war, Russia was a big country and got defeated from small country such as Japan. People held Tsar responsible for this defeat क्योंकि उसके पास modern weapons नहीं थे, क्योंकि ये backward country थी. तो इसलिए आप कह सकते हो. Next आपको
इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज में आप वो प्रोसेशन के बारे में लिखोगे कि एक प्रोसेशन था वर्कर्स का गोइंग टुवर्ड्स विच पैलेस, विंटर पैलेस, विंटर पैलेस की तरफ जा रहा था जार को अपनी प्रॉब्लम्स बताने, टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद जार। अब किसके अंडर जा रहा था? फादर गिपन। तो जार ने ऑर्डर किया आर्मी को टू फायर ओन वर्कर्स। लुईस ऐसे काम नहीं ना करता था, जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी लुईस ने सिर्फ इतना ऑर्डर किया था कंट्रोल द सिचुएशन, वो ये नहीं कहता था फायर ओन पीपल। कभी भी आपने पढ़ा फ्रांस में लुईस ने ऐसे वाले काम नहीं किए थे, वो ये नहीं कहता होता था फायर ओन पीपल। जार ने तो बोला कि अटैक ऑन वर्कर्स, उसने कहा कि मेरी पैलेस की तरफ आ रहे हैं, फायर ऑन दम। तो आर्मी ने फायरिंग की, 100 वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइफ, 300 गॉट इंजर्ड। तो दिस इंसिडेंट इन रशियन हिस्ट्री केम टू बी नोन एज ब्लडी संडे एंड दिस बिकेम द मेन कॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। अब आपको इतने सारे 5 कॉजेज जब आप लिख दोगे तो आपको टीचर 5 में से 5 मार्क्स देगा। अगर आपको एक्सप्लेन नहीं करने आते तो आप सिंपल लाइंस में लिखो। सिंपल लाइंस में कैसे लिख सकते हो? पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन रशिया, वर्कर वेजेस ऑफ वर्कर्स वर मोर, सॉरी लेस एंड वर्किंग आवर्स वर मोर, सोशलिज्म केम इन रशिया। तो आप बताओ कि वर्कर्स प्रोटेस्टेड। फिर आप बताओ कि देयर वाज वॉर बिटवीन रशिया एंड जापान, रशिया गॉट डिफीटेड। ये मैं सिंपल पॉइंट्स बोल रही हूँ, अगर आपको सिंपल वाले पॉइंट्स करने हैं तो आप सिंपल भी पॉइंट्स लिख के फिर ज्यादा लिखते हैं, फिर आपके अपने आप 5 में से 5 आएंगे। अगर आपको आता है कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स, फिर आपको बताया जाएगा कि राइट 3 कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स, मीन्स 3 नंबर का क्वेश्चन होगा कॉजेज, 2 का होगा इम्पैक्ट्स। तो फिर आपको मिक्स लिखना, फिर आप इम्पैक्ट्स में क्या बताओगे, यहाँ फिर आपको 3 मार्क्स में इम्पैक्ट्स ही पूछे जा सकते हैं। राइट द इम्पैक्ट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए? रिवोल्ट हुआ, कोई तो इम्पैक्ट हुए। पूरे रशिया में क्या हुई? स्ट्राइक, स्कूल्स कॉलेजेस सब कुछ बंद था वहां पे, वर्कर्स हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा था, फैक्ट्री वर्कर्स और बताओ के कॉमन पीपल, ये सब लोग पीजेंट्स सब प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे। तो वहां पे वायलेंस हो रही थी रशिया में। और बताओ के जार को लोगों की डिमांड थी, पीपल वांटेड टू क्रिएट डूमा, लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट क्रिएट की जाए। तो जार को लोगों की बात माननी पड़ी, He had to agree with people. और बताओ he created डूमा, उसने डूमा क्रिएट भी की, बट आफ्टर 75 days he suspended डूमा because he was not in the favor of the parliamentary form of government, because with the coming of parliamentary form of government his power got reduced. उसकी powers limited होनी थी, तो वो अपनी powers की reduction नहीं चाहता था, he didn't want the reduction of his powers. That's why he suspended डूमा after 75 days, जब peace maintain हो गई उसने डूमा को सस्पेंड कर दिया। बता दो कि डूमा थी क्या? पार्लियामेंट, इन रशिया पार्लियामेंट इज नोन एज डूमा। तो अब बताओ कि उसने डूमा क्रिएट भी की बट फिर सस्पेंड कर दी। तो आप इसमें बता सकते हो कि इन दिस वे वी कैन से कि दिस रेवोल्यूशन 1905 रेवोल्यूशन केम टू बी नोन एज द ड्रेस रिहर्सल फॉर अदर टू रिवोल्ट। ये वाला रिवोल्ट एक ड्रेस रिहर्सल बन के रह गया बाकी टू रिवोल्ट के लिए। अब बताओ 1905 का रिवोल्ट एंड इम्पैक्ट, कोई प्रॉब्लम? बिकॉज यू हैव डन दिस चैप्टर इन फर्स्ट टाइम आना ना पेपर में। तो अब आप बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन 1905, इज देयर इज एनी प्रॉब्लम 1905 के रिवोल्ट के कॉजेज में? किसी को कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट इज कौन लेके आए रिवोल्ट रशिया में? वर्कर्स। वर्कर्स को एक्सप्लेन करो सारा। फिर कौन सा आइडिया स्प्रेड हो रहा था? सोशलिज्म। और रशिया फर्स्ट कंट्री थी जो सोशलिस्ट बनी। फिर इसके बाद आप किसके बारे में बता सकते हो? ऑटोक्रेटिक रूल। लोग वैसे ही जार से दुखी थे, और उसकी वाइफ जो जरीना वो भी गुड पार्टनर नहीं थी, शी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन मॉन्क रास्पुतिन। तो वो जो उसे मिसगाइड करता था जरीना वही जार को फोर्स करके करवाती थी, तो शी वाज नॉट गुड पार्टनर। तो इन दिस वे आपको कि ऑटोक्रेटिक रूल था, रिच के हाथ में सारी पावर्स थी, पुअर वर नॉट कंसल्टेड, उनकी कंडीशन डे बाय डे पुअर होती जा रही थी। ये सब अपने आप बनाना होता है पेपर में इलेबोरेट करने के लिए। फिर आप बताओ कि रूसो जापानीज वार भी हुई रशिया और जापान में, और उस वार में कौन हारा? रशिया, एक छोटी सी कंट्री जापान से रशिया हारा। एंड दिस वॉज नॉट दिस वॉज अगेंस्ट द प्रेस्टीज ऑफ रशिया, क्योंकि रशिया एक बैकवर्ड कंट्री थी, उसके पास मॉडर्न वेपन्स
नहीं थे, तो लोगों ने किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर दिस डिफीट? जार। तो अपने आप जार अनपॉपुलर होता चला गया, तभी लोगों ने रिवोल्ट किया ना। फिर बताओ कि फादर गेपन, उसके अंदर लोग जा रहे थे, वो तो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे थे, तो जार ने उनके साथ प्रॉब्लम्स तो क्या डिस्कस करनी थी, रास्ते में किसको ऑर्डर कर दिया आर्मी को, फायर ऑन पीपल। तो वो लोग जो इनोसेंट पीपल थे उसमें से 100 पीपल लॉस देयर लाइफ एंड 300 गॉट इंजर्ड। तो इतने लोग जहाँ पे मर जाएंगे वहां पे बताओ कि उस इंसिडेंट का नाम क्या पड़ेगा, ब्लडी संडे, क्योंकि संडे था उस दिन। तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे थे जार के साथ अंडर फादर गेपन, पीसफुल वे से जा रहे थे वो, पर उनके ऊपर फायरिंग होगी, तो इसलिए लोग भड़क गए एंड दिस बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन। तो फिर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में तो जितना आपने अपने वे से लिखो कि स्ट्राइक हुई रशिया में, सब कुछ बंद था उस दिन, तो पीपल केम ऑन द रोड्स, ये अपने आप बातें बनाते होते हैं, पीपल केम ऑन द रोड्स प्रोटेस्टेड, है ना, देयर वाज वायलेंस, वायलेंस हो रही थी जगह जगह, तो पीपल डिमांडेड दैट डूमा शुड बी क्रिएटेड एंड जार हैड टू क्रिएट डूमा टू मेंटेन पीस। तो उसने डूमा तो क्रिएट कर दी, बट आफ्टर 75 डेज ही सस्पेंडेड बिकॉज ही डिडंट वांट द रिडक्शन ऑफ हिज, ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ। तो फिर अपने आप बताओ कि उसने सस्पेंड कर दिया एंड दिस रिवोल्ट केम टू बी नोन एज ड्रेस रिहर्सल फॉर अदर टू रिवोल्ट। अब ये इतना करने के बाद एक टॉपिक क्लियर, रिवोल्ट ऑफ 1905, थ्री रिवोल्ट हैं, थ्री रिवोल्ट, तो तीन ही तो रिवोल्ट है, अगर एक लर्न हो गया मींस काफी हद तक आपकी एक क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व, एक क्या दो, क्योंकि इम्पैक्ट वाला सेपरेट भी आ सकता है, ठीक है। अब आ गया फर्स्ट वर्ल्ड वार आई, फर्स्ट वर्ल्ड वार के आने से जार ने वैसे भी वहां पे सारी पार्टीज को इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था, रशिया में कोई भी अपनी पार्टीज नहीं बना सकता था, जार डिक्लेयर्ड इलीगल। तो रशिया में क्या हुआ, आप बताओ कि पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914 एंड दिस वार वाज हेल्ड बिटवीन अलाइड एंड सेंट्रल पावर कह सकते हो। तो ये वार अलाइड का, आप बताओ अलाइड पावर्स कौन कौन सी कंट्रीज थी, अलाइड पावर्स फर्स्ट ऑफ ऑल यूके, फ्रांस, इनका नाम हमेशा पहले लेना है, यूके एंड फ्रांस, क्योंकि ये दो कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने ये वार फुल लड़ी है, बाकियों ने ये पूरी वार नहीं लड़ी, यूके फ्रांस, फिर आपने बताना है रशिया, फिर आपने कहना यूएसए, रशिया एंड यूएसए, मैं इसलिए बाद में बोल रही हूँ, रशिया ने 1917 में इस वार को क्विट किया था एंड रशिया के क्विट करने से किसने ज्वाइन किया, यूएसए ने। और इस वार में ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कौन सी कंट्री थी, वैसे बता रही हूँ जर्मनी, यू नो इट वेरी वेल, जर्मनी ओवर कॉन्फिडेंट था इस वार में, वो पार्ट था सेंट्रल पावर्स का, इस वार में जर्मनी ओवर लाइड एंड एक्सेस पावर आप करते नहीं हो, तो जर्मनी ओवर कॉन्फिडेंट था इस वार में, ठीक है। तो जर्मनी ने बाद में, जर्मनी को कितनी बड़ी पनिशमेंट भी मिली थी पता है ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स आपने पढ़ी तो ही है, सारी पनिशमेंट जर्मनी को ही तो फाइन मिला था सारा फिर भरने के लिए। हाँ, तो आपने यहाँ पे बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई 1914 में स्टार्ट हुई, एंडेड इन 1918, आपको दोनों एमसीक्यू के लिए ये ईयर्स पता होनी चाहिए, मैप के लिए कंट्रीज पता होनी चाहिए, अलाइड एंड मैप इस बार आपको पेपर में आना है, और ये मैप आपका 2 मार्क्स का, ठीक है, पेपर में आना है मैप, आपको कंट्रीज, आप एक सेट को जैसे अलाइड पावर्स, एक को एक्सेस पावर्स, तो ये मैप आपको पेपर में आना है, ठीक है। आपको अलाइड एंड एक्सेस जो पावर्स हैं वो पता होनी चाहिए, यूके सेकंड नंबर पे आपने बोलना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, उधर आप कह सकते हो जर्मनी, ठीक है, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, टर्की, जो ये सारी कंट्रीज। तो आप कहोगे कि इस वार में, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, रशिया वाज, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई तो रशिया वाज नॉट इन कंडीशन टू टेक पार्ट इन दिस वार, क्योंकि रशिया के पास, तो हम खुद ही कह रहे हैं कि आउटडेटेड था सब कुछ, उसके पास तो मॉडर्न वेपन्स ही नहीं थे, बैकवर्ड कंट्री थी, तो रशिया के पास तो मॉडर्न वेपन्स ही नहीं थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड तो रशिया हैड नो मॉडर्न वेपन्स, बट जार हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस वार एज रशिया वाज नॉट इन कंडीशन टू टेक पार्ट इन दिस वार, उसे पार्ट नहीं लेना चाहिए था, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट ही हैड पार्टिसिपेटेड, क्योंकि उसे किसने फोर्स किया टू ज्वाइन दिस वार, जरीना, जरीना को मिसगाइड किया था रास्पुतिन ने कि अगर जार फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे वो पॉपुलर हो जाएगा, तो जरीना के कहने पे जार पार्टिसिपेटेड इन दिस वार। फिर आप बताओ कि रशिया
को बहुत लॉस हुआ, बिकॉज उसकी तो कंडीशन ही अच्छी नहीं थी, वार को ज्वाइन करने की कंडीशन ही नहीं थी, तो रशिया सफर्ड हैवी लॉसेस। अब आप बताओ कि क्या क्या लॉस हुआ उसे। सबसे पहले तो कितने लोग मरे, मैनी गॉट इंजर्ड, मैनी गॉट रिफ्यूजेस, कितने लोग रिफ्यूजेस हो गए, कितने लोगों की लाइफ चली गई, ये सब इसमें बताओ। बताओ कि यंगस्टर की डेथ हुई, हाउस होल्ड इनकम तक लोगों की डाउन गई। फिर बताओ कि रशिया में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हुई क्योंकि पीजेंट्स वेंट टू फाइट वार। पहले तो बताओ देयर वाज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, क्योंकि जार के पास तो आर्मी नहीं थी, ही फोर्स्ड वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू ज्वाइन द आर्मी। तो जार ने फोर्स रिक्रूटमेंट फॉलो की। अब पेपर में पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय फोर्स रिक्रूटमेंट, तो क्या लिखोगे? टू फोर्स द पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू ज्वाइन आर्मी, टू फोर्स द वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू ज्वाइन द आर्मी। पीजेंट्स एंड वर्कर्स को फोर्स किया गया आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन रशिया बिकॉज पीजेंट्स वेंट टू फाइट वार। पीजेंट्स किधर गए हुए थे? वार लड़ने। देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, तो वी वर डूइंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब ये मैच नहीं ना होना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप बताओगे स्टार्टेड इन 1914 एंडेड इन 1918। कंट्रीज आपको पता है, लाइड एंड एक्सिस, हाँ सेंट्रल भी, तो आपको मैप के लिए भी लर्न करनी है। फिर आपने बताना है कि रशिया वाज नॉट इन कंडीशन टू टेक पार्ट इन दिस वार बट पार्टिसिपेटेड। जरीना के कहने पे, जरीना को किसने मिसगाइड किया? रास्पुतिन ने। जरीना फोर्स जार, जरीना ने आगे किसको फोर्स किया? जार को। तभी तो हम कहते हैं जरीना वाज नॉट गुड पार्टनर। तो आपने बताना है कि रशिया ने पार्टिसिपेट किया बट सफर्ड हैवी लॉसेस। अब उसके सारे, पहले तो बताओ कि रशिया में आर्मी नहीं थी, आर्मी सोल्जर्स ही नहीं थे जो कि वार को लड़ते। तो जार फॉलोड फोर्स रिक्रूटमेंट, ही फोर्स पीजेंट एंड वर्कर्स टू ज्वाइन रशियन आर्मी। अब वो लोग तो ट्रेंड ही नहीं थे, वो तो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उन्हें कौन सा वार लड़नी आती थी। तो इट मीन्स मैनी पीपल लॉस देयर लाइफ, मैनी गॉट इंजर्ड, मैनी गॉट रिफ्यूजेस, कितने लोग तो रिफ्यूजेस भी हो गए वहां पे। तो इस वजह से, और वहां पे फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हुई बिकॉज पीजेंट्स वेंट टू फाइट वार। इंडस्ट्रीज इन रशिया शट डाउन, इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी ड्यूरिंग द वार बिकॉज वर्कर्स वेंट टू फाइट वार। एंड फॉरनर्स हु इन्वेस्टेड मनी इन रशिया, जिन्होंने इंडस्ट्रीज सेटअप की थी, दे स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग इन रशिया। अब ऐसी कंट्री में जाके कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? जिस कंट्री में पहले से ही प्रॉब्लम है वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा कोई? नहीं। तो इट मीन्स रशिया को हर फील्ड में लॉस हुआ। रशिया में डेवलपमेंट भी रुकी, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हुई, जो थोड़े बहुत फूड ग्रेन्स ग्रो भी होते थे ना, जार उनको कहाँ भेज देता था? आर्मी को, क्योंकि वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहा था? आर्मी। तो लोगों के पास फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी। तो इट मीन्स, अब अपने आप बताओ, ऐसा रूलर पॉपुलर होएगा कि अनपॉपुलर? ऐसी गवर्नमेंट अनपॉपुलर ही होगी जो कि लोगों की बिल्कुल केयर नहीं करेगी, सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव देखेगी। तो जार बिकेम अनपॉपुलर ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, नो नीड टू क्रैम, कहीं से क्रैम नहीं करना, अपने आप सोचो कि जार क्यों अनपॉपुलर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार से, ऐसा क्या हुआ? उसको लॉस हुए ना, उस कंट्री को लॉस हुए। जार को तो क्या लॉस होने थे, कंट्री को लॉस हुए। रशिया सफर्ड हैवी लॉसेस, वैसे ही बैकवर्ड कंट्री थी, आर्मी नहीं थी, पीजेंट वर्कर्स को फोर्स करके बनाया, दे डिडंट नो हाउ टू फाइट वार, मैनी पीपल लॉस देयर लाइफ, मैनी गॉट इंजर्ड, मैनी बिकेम रिफ्यूजीज। तो फिर बताओ, फूड ग्रेन्स नहीं थे क्योंकि पीजेंट्स किधर गए थे? वार लड़ने। इंडस्ट्रीज क्यों शट डाउन हो रही थी? बिकॉज वर्कर्स वेंट टू फाइट वार। कौन अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था रशिया में? फॉरनर्स। रशिया में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रुक चुकी थी। सो ड्यू टू दीज रीजंस जार बिकेम अनपॉपुलर। अब अनपॉपुलर हुआ ना जार। अब आ गया 1917, बीच में ही रिवोल्ट आ रहा है, अभी तो वार चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वार अभी चल रही है, वाज गोइंग ऑन। तो बीच में क्या आ गया? सेकेंड रिवोल्ट, रिवोल्ट ऑफ 1917 फेब। तो 1917 फेब रिवोल्ट में मेन कॉजेस क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फिर वर्कर्स की कंडीशन ही पुअर थी ना, आप इसको वहां से इधर ला सकते हो। 1905 के रिवोल्ट के कुछ पॉइंट्स कॉमन है इस रिवोल्ट के साथ, पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स, ऑटोक्रेटिक रूल भी चल रहा था, सेम यू कैन राइट हियर। फिर आप सोशलिज्म भी लिख सकते हो कि सोशलिज्म स्प्रेड हो ही जा रहा था। ये तीन पॉइंट्स आप इधर ला सकते हो।
फिर आप कह सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मेन रीजन जो इमीडिएट कॉज बना दैट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लोग फ्रीडम चाहते थे, पीपल वॉन्ट, जो लोग थे ना दे वॉन्टेड टू क्विट, वो चाहते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जार क्विट कर दे, छोड़ दे इसको, बट जार इस वार को नहीं छोड़ रहा था। तो एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण भी अनपॉपुलर होता चला गया जार। अब इमीडिएट कॉज उधर था ब्लडी संडे, इधर क्या हुआ, कहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किए, एक फैक्ट्री वर्कर को, वुमेन वर्कर को जॉब से निकाला था, याद है, और उसकी फेवर में 50 फैक्ट्रीज में स्ट्राइक हुई थी इन रशिया, क्योंकि लोग चाहते थे कि उसे दोबारा जॉब दी जाए।